हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज का लेक्चर हम लेंगे कैलकुलस का, और कैलकुलस में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। ठीक है, आज मैं करवाऊंगी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल एंड थ्योरम्स। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, इसके एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ कि क्या होता है ये डिलीटेड नेबरहुड, और डिफाइन कैसे करता है फंक्शन। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एनी डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन हम लेके चलेंगे, दिस इज हाउएवर स्मॉल, ये कितना भी छोटी क्वांटिटी हो सकती है बट ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ओफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। एफ ओफ एक्स इज अ फंक्शन, एल इज एनी नंबर, एफ ओफ एक्स माइनस एल का अगर मॉडुलस लेंगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब होगा इफ, या फिर आप वेन एवर लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको समझिए क्या होता है। फंक्शन एफ, हमने फंक्शन लिया डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड का मीनिंग, अगर हम ए पॉइंट के नेबरहुड चेक करें, दिस इज ए लेफ्ट हैंड की पॉइंट एंड राइट हैंड पे पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि ए माइनस डेल्टा, और ये पॉइंट मैंने ले लिया ए प्लस डेल्टा। ओके, हमने कहा कि हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि उसके अंदर ए पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। इट मीन्स यहाँ से ये इंटरवल और इधर से ए को हम छोड़ देंगे एंड दिस ओपन इंटरवल। तो क्या होना चाहिए, फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस इंटरवल में कोई भी नंबर x की प्लेस पे पुट करूँगी फंक्शन में, देन वो हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब होता है कि फंक्शन हमारा डिफाइन करता है इन दिस इंटरवल। ओके, डिलीटेड नेबरहुड में a इंक्लूड नहीं होता, इसके लेफ्ट एंड राइट के पॉइंट होते हैं, नेबरहुड का मीनिंग। ठीक है, और डिफाइन का मतलब अगर हम कोई भी x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे इन विद इन दिस इंटरवल, देन वो फंक्शन जो फाइनाइट वैल्यू देगा। देन हम क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ तक तो हो गया, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, फिर हम एक नंबर लेके चलेंगे एप्सिलॉन पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव नंबर है बट ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर हमने लिया यहाँ पे, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, अगर हम ये एप्सिलॉन पॉजिटिव लेते हैं देन हमारे पास एक आता है डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ओफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कब करेगा ये वैल्यू, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन होल्ड करते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज एल। समझ गए, यहाँ से हमें पता चलेगा कि x टेंस टू a, x की प्लेस पे हमने a रखा है, तो कंडीशन अगर आपको आपके पास ये गिवन हो कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l, तो हम बाय डेफिनेशन क्या करेंगे, fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब x माइनस a लेस देन डेल्टा होगा। अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है लिमिट x टेंस टू जीरो fx इक्वल टू एम, यानी कि एफ एक्स की लिमिट अगर मैं एक्स को जीरो पुट करती हूँ तो एम आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये इसकी लिमिट हो गया। ओके, बाय डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, एफ ओफ एक्स माइनस लिमिट क्या है एम लेस देन एप्सिलॉन, कब होगा, अब यहाँ पे देखिए एक्स किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ये होती है डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन वी कैन से दैट एल इज, यहाँ पे इसके लिए बता रही हूँ मैं, एल इज ए लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ व्हेन एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड, अभी हमने कहा कि ए इंक्लूड नहीं होता, मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है,
अगर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है, दैट मीन्स एक्स जो एक्स हमारा है ये लाई करता है ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा, लेस देन है दैट मीन्स इसको अगर आप इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस चल रहा है, इसका मतलब आप ओपन इंटरवल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये होता है डिलेटेड नेबरहुड जिसमें हम ए नहीं लेके चलते, तो ये डेफिनेशन है, इसके बेस पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, अब यहाँ पे आपको बाय डेफिनेशन प्रूव करना है कि एफ एक्स की लिमिट 10 आएगी व्हेन एक्स टेंस टू 2, यानी हमें ये डेफिनेशन अप्लाई करके प्रूव करना है। अब ये डेफिनेशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है कि आप लिमिट बता सकें, वो देखिए कैसे करोगे। एफ एक्स दे रखा है 3x+4 हैज़ अ लिमिट 10, यहाँ पे आपके पास क्या था, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है इसका मतलब एल इज लिमिट ऑफ एफ एक्स, एल जो होता है वो एफ एक्स की लिमिट है, और हमें यहाँ कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ओके, कब, जब एक्स 2 को 10 करता है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, एल की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो 10 आएगी यहाँ पे, वहाँ पे भी एल लिमिट है, यहाँ पे भी 10 लिमिट दे रखी है, एंड एक्स टेंस टू 2 एंड यहाँ पे क्या था एक्स टेंस टू ए, इसको आप क्या लिखेंगे कि लिमिट यहाँ पे लिख लीजिए एज एक्स टेंस टू ए इन दिस डेफिनेशन, कि एक्स जब हमारा ए को टेंड करेगा, यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि एक्स जब ए को टेंड करेगा तो हमारे पास एल इसका लिमिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये साइड लेके चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे करना है, ए की वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2 आ रही है। अब देखना सॉल्यूशन इसका कैसे करना है, हम ये लेके चलेंगे एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ओके, दिस इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे 3x+4 एंड एल इज 10, सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज मोड ऑफ 3x-6, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमने अभी मैंने बताया था कि इसको आपको लेके चलना है और ये कंडीशन प्रूव करनी है। नाउ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, जब जो मैंने इसकी सॉल्यूशन किया है यहाँ पे दिस, ये इसकी कैलकुलेशन आई है, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, जब 3x-2 लेस देन एप्सिलॉन होगा, अंडरस्टैंड। इफ 3 को मैं इधर ले जाती हूँ x-2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड इसको मैं पुट कर लेती हूँ डेल्टा, डेल्टा क्यों, एप्सिलॉन भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर था और डेल्टा ही पॉजिटिव, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नंबर भी पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब इसको हम डेल्टा पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स था मेरे पास 3x+4 -10 लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या है एफ एक्स, ओके, एफ एक्स भी देख सकते हो -10 लेस देन एप्सिलॉन कब, जब x-2 लेस देन डेल्टा, हो गई हमारे पास बाई डेफिनेशन प्रूफ। देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं इसको, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब, जब x-a लेस देन डेल्टा, तो आपको करना क्या है, ये साइड लेके चलेंगे मीन्स दिस साइड लेके चलेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे, अगर एक्स 2 को टेंड कर रहा है तो हमें लास्ट में चाहिए इसको x-2 तक लेके आना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया ना कि 3 कॉमन ले लिया, x-2 रह गया, अब यहाँ पे अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो हम कह सकते हैं ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ओके। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारे पास x-2 आना चाहिए ताकि मैं ये कंडीशन प्रूव कर सकूँ, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन x²-9, फंक्शन दे रखा है यहाँ पे x²-9 बाय x-3 हैज़ अ लिमिट, लिमिट दे रखी है इसकी 6 व्हेन एक्स टेंस टू 2, लिमिट 6 कब, जब एक्स 2 को टेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स माइनस एल मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स की वैल्यू रखी x²-9 डिवाइड x-3 माइनस एल इज जो लिमिट होती है 6, यहाँ पे एल की वैल्यू है 6 और ए जो एक्स जिसको टेंड करेगा मीन्स ए इज 2, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करके लास्ट तक, जैसे हमने यहाँ पे क्या करना था एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं क्या लेके आऊँगी, x-2 तक लेके आऊँगी, ठीक
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है वो एक्स टेंस टू टू मीन्स लास्ट में कंडीशन आनी चाहिए मेरी, दिस कंडीशन एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स कैंसिल। सॉल्व करते हैं इसको, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस सिक्स, पहले आपको यहीं पे इसको सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है, बाद में हम सिक्स को देखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस थ्री, ओके, एक्स माइनस टू है, थ्री है, थ्री है भाई यहाँ पे, ये जो है वो एक्स टेंस टू थ्री है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब जो इसका आंसर आया है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज तो करना ही नहीं है कि कोई कांस्टेंट हो, जैसे अभी इसमें हमने किया था कि ये लेस देन एप्सिलॉन थ्री को मैं इधर ले, यहाँ पे आएगा थ्री, न्यूमेरिकल मिस्टेक हो रही है, इस यहाँ पे हम थ्री से डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन बाय थ्री को मैंने डेल्टा रख दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको डेल्टा। ओके, तो एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा में कन्वर्ट हो गया था, बट यहाँ पे तो हमारे पास है ही एक्स माइनस थ्री, और यही हमें चाहिए है कि एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक्स टेंस टू थ्री है, ये टू नहीं है, अगर एक्स टेंस टू थ्री है तो आपको चाहिए एक्स माइनस थ्री लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एप्सिलॉन को डेल्टा ले लेंगे यहाँ पे, देन हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस लिमिट इज अ सिक्स लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस थ्री लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है देन सिक्स इज अ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वन एक्स टेंस टू थ्री। एग्जाम्पल थर्ड, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री बाई टू। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एल क्या है एंड ए क्या है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ये आप प्लस टू में कर चुके हो, अगर इसी को मैं डेफिनेशन में कन्वर्ट करती हूँ, डेल्टा एप्सिलॉन एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एल, दिस इज एफ एक्स एंड एल इज अ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब होता है जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ए इज दिस वैल्यू जब एक्स ए वो जिस पॉइंट को टेंड करता है, यानी कि जहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है। ठीक है, एक्स टेंस टू ए जो हम रखते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं हम, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा एफ एक्स हो गया। ठीक है, एंड थ्री बाय टू लिमिट आ रही है, जब आप एक्स को वन रखेंगे देन ये फंक्शन वैल्यू दे रहा है थ्री बाय टू, इसका मतलब एल इज थ्री बाय टू, इससे आप कंपेयर करेंगे और ए जो एक्स जिस वैल्यू को टेंड करता है मीन्स वन, ए की वैल्यू यहाँ पे वन है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, अगर यही इसी पे ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, आपको प्रूव करना है मोड ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री बाय टू लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए कितना है यहाँ पे वन, एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम ये साइड लेके ये कंडीशन लेके चलते हैं, एफ एक्स माइनस थ्री बाई टू लेस देन एप्सिलॉन, और ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं, तब हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। ओके, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, क्या होता है यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इंटू एक्स मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे ओपन करते हैं, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, आइडेंटिटी इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कैंसिल, फंक्शन आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन। ओके, अब हम अप्लाई करते हैं डेफिनेशन में, यानी कि हमें ये प्रूव करना था, तो हम ये साइड लेके चलेंगे, एफ एक्स माइनस थ्री बाय टू मोड, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, एफ एक्स माइनस थ्री बाय, एफ एक्स की वैल्यू रखिए, एफ एक्स मैंने ये सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल ली, तो एफ एक्स के भी ये वैल्यू पुट करेंगे हम, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाय टू। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से एलसीएम लेंगे, टू इंटू
एक्स प्लस वन इज एलसीएम, इसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एंड माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ओके डिवाइड बाय टू इंटू एक्स प्लस वन. फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मल्टीप्लाई माइनस टू एंड एडिशन माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस टू होनी चाहिए, माइनस टू एडिशन माइनस वन, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस वन. ठीक है, यहाँ से हम टू एक्स कॉमन लेंगे, देन टू एक्स कॉमन लेते हो तो क्या आता है, एक्स प्लस वन यहाँ से, ओके और यहाँ से एक्स माइनस वन, सॉरी माइनस वन, ये माइनस का है, और यहाँ से हम प्लस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वन, तो फैक्टर आ जाएंगे इसके, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन और डिवाइड बाय टू इंटू एक्स प्लस वन. ये फैक्टर हमने क्यों किए, देखिए लास्ट में मुझे चाहिए एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, ये जो होता है एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा डेफिनेशन में, ये हमें यहीं से सॉल्व करके निकालना पड़ता है जब हम लेके चलते हैं एफ एक्स माइनस एल, इसी को सॉल्व करके लास्ट में इस तरह से सॉल्व कीजिए कि मेरे पास ये फैक्टर आ जाए. ठीक है, इसको अब हम सेपरेट कर सकते हैं, मॉडुलस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस वन मॉड एंड एक्स माइनस वन मॉड अलग कर लेते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में. एंड यहाँ पे चेक करते हैं हम एक्स की, आप कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पे, एनी रियल क्वांटिटी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, तो देखिए एक्स की अगर मैं यहाँ पे थ्री रखती हूँ वैल्यू, एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पे, देन सिक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू थ्री रखा मैंने यहाँ पे, फोर सेवन बाय एट, दिस इज लेस देन वन. ठीक है, तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स दिस वैल्यू इज लेस देन वन, तो कंप्लीट जो ये वैल्यू है इसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन वन, लेस देन ये वन वन में कन्वर्ट रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दिस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख भी देंगे रीजन, टू एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन, दिस इज कंप्लीट लेस देन वन वैल्यू, ये लेस देन वन वैल्यू देगा. सेवन बाई एट अगर आप टू रखेंगे तो सिक्स बाय सेवन इस तरह से वैल्यू देगा, तो ये क्वांटिटी हमारी लेस देन वन है. तो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी को चेंज कर दिया इनइक्वालिटी में, क्योंकि लेस देन ये क्वांटिटी लेस देन है तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा, और किससे लेस देन है, वन से, तो वन इंटू ये एज इट इज एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और यहीं तक हमें आना था क्योंकि लास्ट में मुझे चाहिए एक्स माइनस वन. अब आप यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफ एक्स माइनस एल यानी एफ एक्स माइनस थ्री बाय टू. नाउ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री बाय टू लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब जो इसका आंसर हमने सॉल्व करके निकाला है यानी कि एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेस देन आ चुका है यानी कि ये क्वांटिटी लेस है इससे, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन कब कहेंगे, अगर यही लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी तो डेफिनेटली लेस देन एप्सिलॉन होगी क्योंकि ये क्वांटिटी हमने इससे स्मॉल निकाली है. ओके, देन इसको हम डेल्टा पुट कर देंगे, देन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा, और यही कंडीशन वहाँ पे प्रूव करनी थी हमें. ठीक है, अगर ये आपके पास ये आ जाता है इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये एक्स यहाँ पे वन को टेंड कर रहा है और एफ एक्स लिमिट क्या दे रहा है, थ्री बाय टू, दिस इज द लिमिट, एंड यही प्रूव करना था एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन से. एग्जाम्पल फोर्थ, यूजिंग द डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट कॉस एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है. यहाँ से फिर से कंपेयर करते हैं हम, एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, एल इज कॉस ए जो आंसर आता है लिमिट पुट करने के बाद, ये एल होता है और यहाँ पे एक्स ए को टेंड कर रहा है तो एक्स टेंस टू ए, तो बाय डेफिनेशन आपको प्रूव करना है, तो आपको क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू कितनी है, कॉस ए लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये आपको प्रूव करना है.
प्रूव, ठीक है, इसके लिए हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और इसको होल्ड करेंगे यानी प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ ए, सी डी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, माइनस टू इंटू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू, ठीक है। माइनस मॉडुलस में पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं मॉडुलस को, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस ए बाय टू इंटू मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाय टू। अब यहाँ पे लास्ट में क्या चाहिए, एक्स माइनस ए, यानी इसको कंप्लीट को सॉल्व करके मुझे लास्ट में लेके आना है एक्स माइनस ए इस पूरी स्टेटमेंट के तरह, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या कि एक तो मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू होता है वन के, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, एंड सेकेंड इज अ मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू इट्स एंगल, इसके एंगल से स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे चाहिए x माइनस ए, तो मैं इसको रिमूव करूँगी सबसे पहले, यानी साइन x प्लस ए बाय टू, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई करूँगी ताकि कंप्लीट साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज़ लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की, लेस देन इक्वल टू टू इंटू, इसके प्लेस पे वन आ जाएगा और हमने लेस देन का सिंबल लगा दिया, इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू, ये एज इट इज़। यहाँ पे आप बता भी देंगे कि मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन होता है, इसलिए हमने साइन थीटा को लेस देन इक्वल टू वन लिखते हैं यहाँ पे। अब हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सेकंड वाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे थीटा को रखना है यानी कि एक्स माइनस ए को रखना है, तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ थीटा, यहाँ से मैंने लिखा है इसको, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू इंटू वन इज अ टू, एंड दिस इज लेस देन किससे आ रहा है, अपने एंगल से, मीन्स ये लेस हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय टू से, ये इसका एंगल है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ थीटा, ओके, टू से टू कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही हमें चाहिए था, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आना चाहिए, ओके। नाउ ये कंडीशन लेके चलना है कि ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा, चलिए एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए, एफ ओफ ए यानी कि कॉस ऑफ ए, या आप एल ले सकते हैं यहाँ पे, एफ ओफ एक्स माइनस कॉस ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन कब होगा भाई, जब जो इसका आंसर आया है मोड ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डेल्टा, तो मैं इसको डेल्टा पुट कर देती हूँ, ओके, क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर होता है और डेल्टा भी हम पॉजिटिव नंबर ही लेके चलते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, इसलिए एग्जिस्ट कर सकता है, देन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, होगी हमारे पास डेफिनेशन होल्ड, इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स यानी कि कॉस ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने ली है कॉस ऑफ ए। यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स हैज़ अ लिमिट जीरो एज एक्स टेंस टू जीरो, मीन्स आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फंक्शन दे रखा है एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स, ठीक है, और किसको लिमिट कितनी है जीरो, इसका मतलब एल की वैल्यू जीरो, एंड एक्स किसको टेंड कर रहे हैं जीरो को, दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो आप क्या प्रूव करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल कितना है जीरो लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आप साइन वन एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स भी लिख सकते हैं इफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो हम ये साइड लेके चलते हैं, ये कंडीशन लेके चलते हैं और ये वाली प्रूव करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, हम लेके चल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स की वैल्यू एंड एल इज जीरो, वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको आप लिख सकते हो एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स, इसको सॉल्व करके मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस जीरो चाहिए, दैट मीन्स इसको मैं मॉडुलस को अलग अलग कर लेती हूँ, साइन वन बाय एक्स
ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हमें दे ही रखा है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, अदरवाइज तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अभी जो मैंने बताई थी कौन सी अप्लाई करेंगे, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि मुझे कंप्लीट साइन को यहाँ से हटाना है, तो मैं अप्लाई करूँगी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन। दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एज इट इज, एंड इसके प्लेस पे वन रख देंगे और इक्वालिटी इन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू आ गया मोड ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो, एक्स ही रहेगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको मैंने ले लिया डेल्टा, इफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब, जब एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिमिट है, जीरो, जीरो आ जाए। यही आपको प्रूव करना था कि लिमिट इसकी जीरो आनी चाहिए, ये होती है लिमिट जब हम एक्स को, हमें यहाँ पे जीरो दिया गया कि एक्स जीरो को टेंड करेगा तो इसकी लिमिट जीरो आएगी, तो हमने ये बाय डेफिनेशन प्रूव कर दिया यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं आज के लेक्चर में नहीं करवाऊंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वहाँ पे करवाऊंगी, उसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन करवानी है पहले, तो आज जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हो। शो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स फोर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हैज़ नो लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो। आप ये प्लस टू क्लास में बहुत कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, हमें यही जो चीज़ है वो बाय डेफिनेशन प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इस यहाँ पे बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि हैज़ नो लिमिट, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मीन्स हम ले लेते हैं लेट एल इज अ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स। हमने क्या किया कि एल हमने इसकी लिमिट मान ली है, हमें प्रूव करना है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। अगर एल इसकी लिमिट हमने ले ली है, देन फोर एच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, डेफिनेशन क्या लगाते हैं, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर, या इफ ले लीजिए, इफ एक्स माइनस किस पे बता रहे हो, एक्स टेंस टू जीरो पे, एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा होगा, यानी ये कंडीशन अब हमारी होल्ड करती है, ये कंडीशन हर एक एक्स, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, तो हर उस एक्स की वैल्यू के लिए जो डेल्टा से लेस है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब छोटा स्टेप यहाँ पे एक आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेके चलेंगे, टेक टू वैल्यूज एक्स वन, एक्स वन इस तरह से लेना है आपको, वन बाय टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, एंड एक एक्स टू लेके चलेंगे पॉइंट, वन अपॉन टू एन पाई माइनस पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ पे हमने खुद अज्यूम किया एक्स वन एक्स टू, तो हमें एन बताना पड़ेगा, एन इज वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन इज वेरी लार्ज इंटीजर सच दैट, एन इतनी बड़ी वैल्यू है यानी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एन इतना बड़ा इंटीजर लेके चलेंगे कि जैसे देखिए आप वन अपॉन में है, जितनी आप एन की वैल्यू बड़ी रखते जाएंगे एक्स वन की उतनी छोटी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो एन इतना बड़ा इंटीजर लिया हमने जहाँ पे मोड ऑफ एक्स वन लेस देन डेल्टा आ जाएगा, ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि एन हमने क्या लिया है, ये जो वेरी लार्ज इंटीजर, जितनी बड़ी वैल्यू आप इनकी लेते जाएंगे उतनी ही एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, बट हमने क्या कहा कि ये पॉजिटिव रहेगा, कैसे, कि इस तरह से कंडीशन ले ली क्योंकि डेल्टा हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये यानी पॉजिटिव नंबर, तो ये एक्स वन को हमने इतना जो छोटी वैल्यू बना ली कि ये डेल्टा से लेस आना चाहिए, एंड सेम टू सेम एक्स टू इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा, समझ गए। तो एन की ऐसी वैल्यू लेंगे हम जिसके लिए एक्स वन एक्स टू दोनों ही डेल्टा से लेस होंगे। ओके,
अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि एक्स वन लेस देन है डेल्टा, इम्प्लाइज दैट जो नंबर डेल्टा से लेस है उसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही है, बिकॉज एल हम इस फंक्शन की लिमिट लेके चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन, यहाँ पे एक्स के प्लेस में हम एक्स वन रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स वन भी लेस देन डेल्टा है, ये एक्स लेस देन डेल्टा के लिए प्रूव था, तो एक्स वन लेस देन डेल्टा है तो इसके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एंड एक्स टू के लिए भी होल्ड करेगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन सेकेंड दोनों के लिए हमारा होल्ड कर गया यहाँ पे। ओके, नाउ आप निकालेंगे साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन बाय एक्स टू। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसी क्वांटिटी में एल यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया और एल ही यहाँ पे ऐड कर लिया, और यहाँ पे आगे है माइनस साइन वन बाय एक्स टू। अंडरस्टैंड, साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन एक्स बाय, ये हम लेके चले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एल सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप सेपरेट कीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन, यानी कि इसको मैंने इकट्ठा कर लिया और ये क्वांटिटी मैंने यहाँ से अलग कर ली, और मॉडुलस को अलग कर लेते हैं, मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी कि साइन वन बाय एक्स वन माइनस एल प्लस, अलग से ले लेंगे इसका मॉडुलस, एल माइनस साइन वन बाय एक्स टू। अब यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एंड मॉडुलस क्वांटिटी में माइनस प्लस का होकर निकलता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे साइन वन बाय एक्स टू माइनस एल। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू कहाँ से लाते हैं, देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से क्या है रिजल्ट हमारे पास, मो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एल, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन से। अब इसकी वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स कितना है साइन वन बाय एक्स, अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन निकालती हूँ तो एक्स के प्लेस पे क्या कर देंगे, एक्स वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, मोड ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे एक्स वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एंड एज इट इज इसके लिए निकालिए एफ ऑफ एक्स टू माइनस एल साइन वन बाय एक्स टू माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इन दोनों का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज, यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ से सॉल्व किया हमने, प्लस दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन विच इक्वल टू टू एप्सिलॉन, यानी कि साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन बाय एक्स टू की वैल्यू आ गई है टू एप्सिलॉन, लेस देन टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब दोबारा से करते हैं, यही इसी की वैल्यू निकालते हैं फिर से, यानी कि साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन बाय एक्स टू। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू जो हमने यहाँ पे ले रखे, यानी एक्स वन की और एक्स टू की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज साइन वन अपॉन एक्स वन रखेंगे, ये भी आपके पास वन अपॉन में चल रहा है, देन ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स वन यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ तो ये जाएगा टू एंड पाई प्लस पाई बाय टू माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा टू एंड पाई माइनस पाई बाय टू, एंड इज एनी इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको फोर ले लेती हूँ, ठीक है, तो अगर आप फोर लेंगे तो ये बन जाएगा एट पाई, एंड एट पाई प्लस पाई बाय टू, एट पाई जो फर्स्ट पूरा राउंड लगाएगा यहाँ पे, टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एंड एट पाई यहीं पे आ जाएगा, और प्लस पाई बाय टू मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस, यहाँ पे देखिए टू एन पाई, अगर मैं एन को फॉर एग्जाम्पल फोर लेती हूँ तो एट पाई माइनस पाई बाय टू, माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू इज़ अ वन माइनस माइनस वन, वन प्लस वन इज टू, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है टू। ठीक है, ये इक्वेशन ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, मोड ऑफ साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन बाय एक्स टू, ये लेस आ रहा है यहाँ से, इस इक्वेशन से लेस में चल रहा है, लेस देन टू एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन टू एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मैं इस फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करती हूँ, यानी इसकी वैल्यू क्या आई है टू, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यू टू,
इसकी प्लेस पे टू रख दिया, दिस इज लेस देन टू एप्सिलॉन. यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ. ओके, टू से टू कैंसिल, यानी कि वन लेस देन एप्सिलॉन. आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि एप्सिलॉन लेस ग्रेटर देन वन. ठीक है, यहाँ पे इसको चाहे ऐसे लिख, चाहे ऐसे लिख लो, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन आ रहा है. और एप्सिलॉन हमने क्या लिया था, एनी पॉजिटिव क्वांटिटी जो जीरो से बड़ी है. ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन पॉजिटिव तो है. अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को हाफ ले लिया क्योंकि मुझे वो यहाँ पे जो कंडीशन लेके चले हैं, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है और हाफ भी पॉजिटिव होता है. अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ पुट करती हूँ, हाफ ग्रेटर देन वन, क्या ये पॉसिबल है, हाफ वन से ग्रेटर हो सकता है? नहीं. तो यहाँ पे हम रखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो एप्सिलॉन की बहुत सारी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी जो हम लेके चले थे. और ये कंडीशन कब ली थी, जब मैंने लिया था कि एल इसकी लिमिट है. अगर एल लिमिट ली थी तभी हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया था. यहाँ से सॉल्व करके हमने निकाला कि एल जो सॉरी एप्सिलॉन है वो वन से ग्रेटर है. बट यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3, 1/4, 1/2 लेती हूँ तो सबके लिए कंडीशन होल्ड नहीं करती. इम्प्लाइज दैट देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. और कंट्राडिक्शन क्या प्रूव करती है, कि जो हमने एल लिमिट ली थी ये एल इसकी लिमिट नहीं होगी. दैट मीन्स एफ एक्स हैज नो लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो. तो इस तरह से आपको इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. जो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर आना चाहिए. अब तक आप समझ गए होंगे ये एफ एक्स होता है, ये एल होता है एंड दिस इज ए. ओके, तो अब डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, हम लेके चलेंगे एफ एक्स माइनस एल. दैट मीन्स एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एल कितना है यहाँ पे, फोर. दिस इज एल, ये हमें प्रूव करना है. इसका मतलब हम बाय डेफिनेशन प्रूव करना है, तो हम एफ एक्स माइनस डेल्टा लेके चलते हैं. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. आइडेंटिटी ओपन कीजिए, इसको आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर x माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू माइनस फोर एज इट इज. x माइनस टू कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा x प्लस टू माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू x माइनस टू. ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ, जो आंसर आया है हमारा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन होगा. ठीक है, इसको आप लेके चलेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको x माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन. इसको हम डेल्टा ले लेते हैं. देन एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एल कितना है यहाँ पे, फोर लेस देन एप्सिलॉन. यही प्रूव किया है ना हमने, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब इसका आंसर यानी कि x माइनस टू, इफ x माइनस टू लेस देन डेल्टा. बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इज फोर. एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू. सेकेंड देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू है, साइन एक्स माइन इक्वल टू साइन है, दिस इज एल, ये एफ एक्स और यहाँ पे ए है, तो हम लेके चलेंगे एफ एक्स माइनस एल मीन्स एफ एक्स इज द साइन एक्स माइनस साइन ए. सी डी फॉर्मूला लगाइए, टू इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू. ओके, सेपरेट करते हैं, टू इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू. अब यहाँ पे आप वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हम साइन में करते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वन, एंड कॉस के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्योंकि ये भी माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाइक करता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज लेस देन टू इंटू, ये लेस देन वन हो जाएगा एंड ये एज इट इज लेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाय टू. ये मॉडुलस चल रहा है एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, साइन थीटा का मॉडुलस लेस होता है इट्स थीटा. तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम दिस इज लेस देन इक्वल टू टू इंटू इट्स एंगल, एंगल इज ए साइन
सॉरी एक्स माइनस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, आंसर आ गया एक्स माइनस ए। यही चाहिए था हमें क्योंकि एक्स माइनस ए चाहिए लास्ट में, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा और इसको डेल्टा ले लेंगे हम, देन यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट दिस इज लेस देन डेल्टा। देन बाय डेफिनेशन एफ एक्स यानी कि साइन एक्स व्हेन एक्स टेंस टू ए इज साइन ए। और देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉस वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एल दिस इज एफ एक्स, देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ये हमें लेके चलना है। मीन्स एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स माइनस एल इज ज़ीरो, इसको आप लिखेंगे एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स। ओके मॉडल सेपरेट करते हैं, मोड ऑफ एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो इसके प्लेस पे हमने वन रख दिया एंड दिस इज लेस देन, इसको आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एल मीन्स एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स कॉस वन बाई एक्स माइनस एल इज ज़ीरो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन, और इसको हम डेल्टा ले लेते हैं, देन कंडीशन चेंज हो जाएगी एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन डेल्टा। देन बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एक्स कॉस वन बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स टेंस टू ज़ीरो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एल इज ज़ीरो जो लिमिट आती है हमारे पास। ठीक है तो लेके चलेंगे एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स की वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस एल इज ज़ीरो, दिस इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ साइन वन बाई एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये वन होता है तो यहाँ से रह जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन। ओके यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कि मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन, देन एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन वन एक्स स्क्वायर मोड लेस देन एप्सिलॉन, ये इसका आंसर आया सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है इसको हमें डेल्टा तक लेके जाना है, एक्स लेस देन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन, अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं हम, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन रूट ऑफ एप्सिलॉन एंड इसको मैंने डेल्टा ले लिया यहाँ पे, देन एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन डेल्टा। देन बाय डेफिनेशन बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स टेंस टू ज़ीरो कब, जब एक्स ज़ीरो को टेंड करेगा। ठीक है नेक्स्ट करना तो ऐसे ही है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देखनी होती है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एल इज थ्री, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एट को लिखेंगे टू स्क्वायर सॉरी टू क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब है। ठीक है और टू फोर को लिखेंगे टू स्क्वायर, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी सॉरी टू इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री, ये चल रहा है माइनस थ्री एज इट इज़, इसको कैंसिल आउट करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू माइनस थ्री। ठीक है वैसे इसको प्रोसीड करना है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है डिवाइड बाय एक्स प्लस टू, अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे फैक्टर, फैक्टर ओपन करिए इसके, मल्टीप्लाई माइनस टू आनी चाहिए और एडिशन माइनस वन। ठीक है देन माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस टू एंड इसके फैक्टर करेंगे देन एक्स माइनस टू एंड एक्स
प्लस वन, यहाँ से वन कॉमन लेंगे और डिवाइड बाय है एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, यहाँ कर देती हूँ मैं इसको, एक्स माइनस टू इसका मोड तो हम अलग कर लेते हैं, और मोड ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, इसका मोड हमने सेपरेट कर लिया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल रियल वैल्यू फॉर एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमेशा लेस देन वन क्वांटिटी वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो छोटा है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू वन, एक्स माइनस टू इंटू वन, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब होगा, जब जो आंसर आया हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इसको आप डेल्टा रखेंगे, देन एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा, और यही प्रूव करना था कि एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, एंड ये भी ऐसे ही है, कर ही लोगे इसको, तो आप सिंपल सा है, आप यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे और माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, वहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आज वो क्वेश्चन करवाए हैं जो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन पे डिपेंड है और कैसे आपको लिमिट प्रूव करनी है। ठीक है, कल लेक्चर लेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का, तब तक उनको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।